नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी जयपुर। माई टीचिंग सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड द सब्जेक्ट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द educational advantage of co-curricular activity in the school कि विद्यालय में पाठ्य सहगर्मी विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के शैक्षिक लाभ educational advantages of co-curricular activity in the school। शिक्षा का मुख्य कार्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का प्रमुख माध्यम है विद्यालय, जहाँ बालक को विभिन्न विषयों का शिक्षण कराया जाता है, लेकिन कक्षा शिक्षण से बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। कक्षा शिक्षण के द्वारा बालक के केवल मानसिक पक्ष का ही विकास संभव है। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से दूसरे बालकों से भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक बालक की अक्षमता, योग्यता, रुचि भिन्न भिन्न होती है। अतः विद्यालय में छात्रों को उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही विकसित होने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए विद्यालय में कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे बालक का उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के अनेक लाभ हैं, जिसका हम निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है शारीरिक विकास। प्रत्येक बालक में बहुत सी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, जो केवल विभिन्न विषयों के अध्ययन से ही पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। अर्थात पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लेने मात्र से ही बालक की मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं हो पाता है। विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं, निबंध, वाद विवाद, भाषण, साहित्य सभा, विद्यालय पत्रिका, चित्र प्रतियोगिता, अंताक्षरी, कवि सम्मेलन आदि में भाग लेने पर बालक की मानसिक शक्तियों, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास होता है। बालक इन कार्यक्रमों में अपनी रुचि के अनुसार भाग लेकर अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। दूसरा है सेकंड शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जीवन में सफलता प्राप्ति की दृष्टि से बालक का मानसिक विकास के साथ साथ सार्थिक विकास भी होना आवश्यक है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं विकसित नहीं होगा तो वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेलकूद, व्यायाम, तैराकी, दौड़, कुश्ती आदि के द्वारा बालकों का शरीर हष्टपुष्ट, स्फूर्तिमय एवं स्वस्थ बनता है, जिससे बालक का शारीरिक विकास भी संतुलित रूप से होता है। थर्ड है नैतिक व चारित्रिक विकास। वर्तमान समय में समाज में अनैतिक, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चरित्रहीनता आदि का बोलबाला है। ऐसे समय में विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना अति आवश्यक है। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों में प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है। वे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति विद्यार्थियों में दया और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। कई बार विद्यार्थियों को ही अपने संगठन का हिसाब किताब रखना पड़ता है, इससे उनमें ईमानदारी का गुण विकसित होता है। कई बार विद्यार्थियों को इन क्रियाओं में भाग लेने पर क्रियाओं से संबंधित अनेक कार्य सौंप दिए जाते हैं, इससे उनमें उत्तरदायित्व निभाने का गुण विकसित होता है। खेल में जीत हार को धीरज के साथ सहन करने पर छात्रों में धैर्य के गुण का विकास होता है।
इस प्रकार विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में अनेक नैतिक और चारित्रिक गुण विकसित होते हैं जो उसके सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है फोर्थ नंबर, सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहने के लिए उसमें कुछ सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास संभव है। स्काउटिंग, NCC, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड क्रॉस, खेल कूदों आदि में भाग लेने से छात्रों में परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भावना, एकता आदि गुणों का विकास होता है जिससे वह समाज में रहने योग्य बनता है। नेक्स्ट है नेतृत्व संबंधी गुण का विकास। वर्तमान में राष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान कर सके। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हुए विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास होता है। प्रत्येक कार्य के लिए किसी नेता की आवश्यकता होती है। अध्यापक प्रत्येक प्रवृत्ति में विद्यार्थियों में से ही इंचार्ज बनाकर उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है, उसे कार्य करने का अवसर देता है, उस पर उत्तरदायित्व डालता है। इस प्रकार से कार्य करने पर विद्यार्थी में आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, धैर्यशीलता, सहयोग, साहस आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार के गुणों के विकसित होने पर विद्यार्थी बड़े होने पर अच्छे नेता बनकर समाज को साफ और सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करते हैं। फिर सब अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासनहीनता आज विद्यार्थी की महत्वपूर्ण समस्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेता हुआ विद्यार्थी अपने आप अनुशासन में रहना सीखता है। इन प्रवृत्तियों में भाग लेता हुआ विद्यार्थी रचनात्मक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखता है। इससे उसे बेकार की हरकतों के लिए समय ही नहीं मिलता। साथ ही विभिन्न प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले छात्र अपने सहभागियों के साथ प्रेम और सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने वाले छात्रों में सब अनुशासन की भावना विकसित होती है। शिक्षण में सहायक। विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम को रुचिकर, सरल एवं आकर्षक बनाने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सहायता ली जा सकती है। वाद विवाद, निबंध, कहानी, खेल कूद आदि के माध्यम से विषय वस्तु को सरल और रुचिकर बनाया जा सकता है। इतिहास, भूगोल आदि विषयों को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों का शैक्षिक भ्रमण कर छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया को समझाने की दृष्टि से विद्यालय में छात्र सांसद आदि के चुनाव कराकर प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक शिक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सीखना और कमाना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने पर कुछ क्रियाएं बालकों को इतनी रुचिकर लगती हैं कि वे उन्हें तन्मयता के साथ सीखते हैं और भावी जीवन में उन्हें अपनी रोजी रोटी का साधन बना लेते हैं। उदाहरण, कहानी लेखन, कविता करना, फोटोग्राफी, चित्रकारी, संगीत आदि। वर्तमान में तो विभिन्न खेल कूदों में महारत हासिल कर लेने के कारण भी छात्रों को विभिन्न विभागों में, बैंकों में तथा उच्च निजी शिक्षण संस्थानों में नौकरियों के लिए प्राथमिकता मिलती है। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता करती है। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। अतः प्रत्येक विद्यालय का कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करे। इन क्रियाओं का विद्यालय में स्पष्ट महत्व करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि ये क्रियाएं विद्यालय का वैसे ही अभिन्न अंग हैं जैसे पाठ्य क्रियाएं। इसलिए इनके उचित गठन के लिए भी उसी सावधानी और पूर्ण विचार की आवश्यकता है। यदि इनका उचित रूप से संचालन किया जाए तो ये महत्वपूर्ण रुचियों
और योग्यताओं के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्यालय और पाठ्यक्रम में इन क्रियाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ये क्रियाएं विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये एजुकेशनल एडवांटेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के शैक्षिक लाभ कौन कौन से हैं, कैसे इनको एडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल एडवांटेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी please mention in the comment box, I will resolve it. Thank you very much.